नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हमारे बेबी किचन चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है बहुत ही जबरदस्त घरेलू एक सब्जी, गुड़ गुड़ व कद्दू से बनी सब्जी, जो हमारे मस्तिष्क में बल और शांति प्रदान करती है और हमारे पाचन क्रिया में सुधार लाता है, हमारे पाचन क्रिया ठीक रहती है। इसके लिए हम आज एक सब्जी बनाते हैं। और देखिए, कद्दू एक ऐसा शब्द है, कद्दू नाम सुनते ही हंसी आ जाती है। ज़्यादातर लोग मोटे आदमियों का मजाक बनाने के लिए कद्दू शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बहुत लोग इसे पसंद भी नहीं करते, प्यार से छोटे बच्चे को भी कद्दू कह देते हैं इसलिए। लेकिन ये बहुत ही लाभदायक सब्जी है, हमारे मस्तिष्क और दिमाग को शांति प्रदान करता है और इसे काशी फल भी कहा जाता है। और ना ही ये ज़्यादा सब्जी महंगी होती है, बिल्कुल सस्ती होती है, और लेकिन परंतु बहुत ही उपयोगी सब्जी है। इससे हमारी पाचन क्रिया ठीक रहती है। और आज हम कद्दू की सब्जी बनाते हैं, कद्दू और गुड़ की सब्जी बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं और क्या क्या सामग्री चाहिए ये जान लेते हैं। ये 1 किलो कद्दू जो हमने काट करके रखा है, ये देखिए। अगर बीज कच्चा हो तो बीज के साथ काट लीजिए छील कर, अगर बीज पक्का हो तो बीज निकाल दीजिए। वैसे ज़्यादातर तो बीज के साथ ही अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक औषधि होती है जो बीज होता है इसका। और ये 1 बड़ी कटी हुई प्याज, 4 कली लहसुन की, 50 ग्राम गुड़, जीरा, गरम मसाला, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और ये मेथी के दाने। और तड़के के लिए हमें ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, डालते हैं गैस पर, कुकर रखते हैं और गैस ऑन करते हैं। अब कुकर में 1 चम्मच ऑयल डालते हैं। अब इसके बाद इसमें हम दाने वाली मिर्ची डालते हैं 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच जीरा डालते हैं और इसका थोड़ा ब्राउन करते हैं। और इसमें 2 लाल मिर्च डालते हैं, सूखी हुई साबुत मिर्च। अब लहसुन डालते हैं जो बारीक काट करके रखा हुआ है। और इसके बाद हम इसमें प्याज डालते हैं और इसको अच्छे से फ्राई करते हैं, अच्छे से फ्राई करते हैं। जब तक हमारा प्याज ब्राउन नहीं हो जाता तब तक इसको पकाते हैं। और अब हमारा चौंक ब्राउन हो चुका है, अब हम क्या करते हैं, इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं और इसको घुमाते हैं ऐसे। 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया। अब इसके बाद हम इसमें कद्दू डालते हैं और इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। सारा कद्दू डाल देना है ऐसे। और अब इसमें 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डालते हैं और नमक स्वादानुसार और इसको अच्छे से ऐसे फ्राई करते हैं, अच्छे से भून लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से फ्राई करने के बाद। वैसे तो इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हरा कद्दू है, अगर पका हुआ कद्दू होता तो पानी डालना ज़रूरी होता, लेकिन फिर भी हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देते हैं। ये देखिए, अब इसमें हम कद्दू डालते हैं, कद्दू के अंदर 50 ग्राम गुड़ डाल देते हैं और इसको अच्छे से घुमाते हैं। और अब इसको ढक देते हैं। 10-15 मिनट में हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है, तब तक ढक देते हैं। और अब देखते हैं हमारी सब्जी तैयार है कि नहीं। ये देखिए, हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको गैस बंद कर देते हैं और परोसते हैं। देखिए, हमारी गुड़ और कद्दू की सब्जी बिल्कुल तैयार है, जो काशी फल होता है। और देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और गुड़ से बनी कद्दू की सब्जी हमारे मस्तिष्क व बल को शांति प्रदान करती है। और कम से कम भी हफ्ते में 2 बार कद्दू वाली गुड़ की सब्जी का प्रयोग करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाइए और आगे से आगे शेयर कीजिए। जय माता दोस्तों।